हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट टू फार्माकोलॉजी ऑफ CNS, जिसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या होती हैं, देखते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, इसको हम कहते हैं न्यूरोलेप्टिक्स और मेजर ट्रांसक्यूलाइजर्स, आर यूज प्राइमरी टू ट्रीट सिज़ोफ्रेनिया, अ बायोलॉजिकल इलनेस, बट दे आर ऑल्सो इफेक्टिव इन अदर साइकोटिक स्टेट इंक्लूडिंग मैनिक स्टेट्स विद साइकोटिक सिम्टम्स सच एस ग्रैंडियोसिटी, पेरानोइया एंड हेलुसिनेशन एंड डिसल्सन्स। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर नॉट क्यूरेटिव एंड डू नॉट एलिमिनेट द क्रॉनिक थॉट ऑफ डिसऑर्डर्स, बट दे ऑफन डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ हेलुसिनेशंस एंड डिसल्सन्स एंड परमिट द पर्सन विद सिज़ोफ्रेनिया टू फंक्शन इन सपोर्टिव इन्वायरमेंट। साइकोसिस क्या होता है, मतलब पागलपन, किसी भी तरह का पागलपन, उसका बिहेवियर चेंज हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, बहुत ज़्यादा हंसना, बहुत ज़्यादा रोना। तो ये सारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। तो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हमने दो तरीके से बांटा है, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक एंड सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक। फर्स्ट जनरेशन को लो पोटेंसी एंड हाई पोटेंसी में हमने क्लासिफाइड किया है। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग है वो है क्लोरप्रोमाजीन, ठीक है। बाकी की ड्रग भी अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लोरप्रोमाजीन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लोरप्रोमाजीन से। इसके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी इन द ब्रेन। ऑल ऑफ द फर्स्ट जनरेशन एंड मोस्ट ऑफ द सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ब्लॉक द डोपामिन रिसेप्टर इन द ब्रेन एंड द पेरिफेरली एक्सेप्ट क्लोज़ापिन लाइक अ टिपिकल। क्लोरप्रोमाजिन्स क्या करते हैं, जो डोपामिन रिसेप्टर होता है उसकी एक्टिविटी को वो ब्लॉक कर देते हैं ब्रेन के अंदर, क्योंकि डोपामिन का सिक्रेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है डोपामिन रिसेप्टर पे आके। डोपामिन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जब डोपामिन का सिक्रेशन हमारे डोपामिन रिसेप्टर पे आके बढ़ जाता है तो साइकोसिस होने लगती है। तो साइकोसिस को रोकना है हमें, तो क्लोरप्रोमाजिन दिया। क्लोरप्रोमाजिन क्या करेगा, आएगा डोपामिन के रिसेप्टर पे, क्यों, क्योंकि वहाँ पर वो डोपामिन का सिक्रेशन हो रहा है डोपामिन रिसेप्टर पे, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रेशन हो रहा है, तो वो उसकी जगह पर आएगा और उस रिसेप्टर को ही वो ब्रेन पर ब्लॉक कर देगा। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरप्रोमाजीन। एनएस पे क्या करेगा, एनएस इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक एजेंट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल। न्यूरोलेप्टिक्स हैव वेरिंग डिग्री ऑफ अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी। क्लोरप्रोमाजिन, क्लोज़ापिन एंड थायरोजिन हैव पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट अल्फा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। इनके पास में यदि एनएस पे जाएगा, एनएस पे मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे जाके यदि क्लोरप्रोमाजिन अफेक्ट करेगा तो एज अ एड्रिनर्जिक, हमने पढ़ा था एड्रिनर्जिक, सिम्पैथो माइमेटिक सिम्पैथोलाइटिक सब पढ़ा था जब हमने एड्रिनर्जिक और एंटी एड्रिनर्जिक पढ़ा था, तो एड्रिनर्जिक की तरह, एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट की तरह वो वहाँ पर काम करेगा। इफेक्ट्स ऑन स्लीप, लोकल एनास्थेटिक्स की तरह काम करेगा, कार्डियोवास्कुलर पे भी काम करेगा, स्केलेटल मसल पे भी काम करेगा, किडनी एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को पे भी ये देखेगा, एंडोक्राइन पे भी काम करेगा। देन अब हम इसकी बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो इसमें कुछ समझने जैसा है नहीं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, एडवर्स इफेक्ट्स भी आप पढ़ लीजिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंटीसाइकोटिक ड्रग। इसमें क्लोरप्रोमाजिन सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है। अब बात करते हैं हम एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग्स की। एंटी डिप्रेसेंट्स पढ़ने के पहले हम देखते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन इज अ स्टेट ऑफ लो मूड एंड aversion to activity that can affect a person's thoughts, behavior, feeling and sense of well-being. Patient with depression may have an imbalance in neurotransmitters, decrease the level of NA and 5-HT. Chemicals that nerves make and use of communicate with other nerves. ठीक है, NA का मतलब है यहाँ पे noradrenaline and or norepinephrine, और 5-HT का मतलब होता है सीरोटोनिन। 5-HT रिसेप्टर इन्वॉल्विंग इन
एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी। डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर पर्सन का मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है। मूड चेंज होने के बाद उसके थॉट्स चेंज हो जाते हैं, बिहेवियर्स अफेक्ट्स हो जाता है, थॉट्स अफेक्ट्स हो जाते हैं, उसकी फीलिंग एंड से जो उसका रहने का तरीका है वो भी अफेक्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्यों? क्योंकि इम्बैलेंस हो जाते हैं हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर, जो हमारा NAD5ST है उसका लेवल वहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ बात करते हैं हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का ये क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे नाम से पूछा जाता है, ठीक है। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स को हमने अगेन क्लासिफाइड किया है। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स इनहिबिट एक्सोनल री अपटेक ऑफ NAD5ST न्यूरॉन्स एंड इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ दीज न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन। क्या होता है कि डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, NAD5ST कम हो जाता है, ठीक है, उसका सिक्रेशन कम हो जाता है। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं वो एक्सोनल री अपटेक को बढ़ाते हैं और इंक्रीज कर देते हैं इन न्यूरोट्रांसमीटर के कंसंट्रेशन को। इसके अंदर हम देखें तो फॉर एग्जांपल इमिप्रामाइन, क्लोरिप्रामाइन, टीमिप्रामाइन, ये सारी ड्रग्स हैं जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के अंदर आती है। अब हम इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ब्लॉक द एब्जॉर्प्शन रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, इंक्रीज द लेवल ऑफ दीज टू न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन, ठीक है। ये जो दो न्यूरोट्रांसमीटर थे ये कम हो रहे थे, इसकी वजह से क्या हो रहा था, ब्रेन के अंदर कम हो रहे थे, इसकी वजह से क्या हो रहा था, डिप्रेशन आ रहा था। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट क्या करते हैं, रीअपटेक कर देते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करके और न्यूरोट्रांसमीटर्स को ही क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ऑल्सो अफेक्ट अदर केमिकल मैसेंजर विच कैन लीड टू अ नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स। इन केस ऑफ सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स ब्लॉकेज ऑफ 5-HT रिसेप्टर गिव अ एंटी डिप्रेसेंट एक्शंस। सम TCAs मतलब ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ऑल्सो आर एंटीहिस्टामिन्स, ब्लॉक द एक्शन ऑफ हिस्टामिन, और एंटीकोलिनर्जिक, ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन अ न्यूरोट्रांसमीटर, एंड दीज एडिशनल एक्शंस अलाउ द यूज ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स अदर देन अ ट्रीटिंग डिप्रेशन एज वेल एज एडिशनल साइड इफेक्ट्स। इनके कुछ अदर इफेक्ट्स भी होते हैं जिसकी वजह से हम इसको एडिशनली भी यूज कर सकते हैं। इसके यूज हैं, साइड इफेक्ट्स हैं और इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। माओ इनहिबिटर्स का क्लासिफिकेशन ये सारे आप देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स था तो हमने देख लिया। एंटी एंजाइटी ड्रग, तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स को पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जब जनरल एनास्थेसिया के बाद में सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स पढ़े थे उसके अंदर हमने एंजियोलाइटिक्स पढ़े थे। एंजियोलाइटिक्स क्या होते हैं? एंजियोलाइटिक्स वो होते हैं जो एंजाइटी को ट्रीट करते हैं। अब एंजाइटी क्या होता है वो हम देख लेते हैं। अनप्लीजेंट स्टेट ऑफ टेंशन, अपेरेंसिव एंड और अनइजीनेस दैट सीम और अराइज फ्रॉम द अननोन सोर्स। ये हमने डेफिनेशन पहले भी पढ़ी थी कि जब ऐसी स्टेट आ जाना, आप डेफिनेशन पे मत जाइए, आप ऐसे समझिए कि ऐसी स्टेट जब इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में भी होता है पर डरा हुआ भी होता है, उस स्टेट को बोलते हैं हम एंजाइटी। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूँ तो आप लोगों का जब एग्ज़ाम में रिजल्ट आने वाला होता है तो आपको एक्साइटमेंट भी रहता है कि हमारा रिजल्ट आने वाला होता है, पर डर भी रहता है कि क्या आएगा, कैसा आएगा, कितने परसेंटेज बनेंगे, कोई सब्जेक्ट तो बैक नहीं हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो उस स्टेट को बोलते हैं हम एंजाइटी, ठीक है, समझ में आया। एंटी एंजाइटी ड्रग मोस्टली माइल्ड सीरियस डिप्रेशन, जो एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती है, जब एंजाइटी बहुत ज़्यादा होने लगती है तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स दी जाती है। तो क्या करती है, मोस्टली CNS को क्या करती है, डिप्रेस कर देती है, माइल्डली डिप्रेस करती है, पूरी तरीके से नहीं करती, कुछ अमाउंट में वो डिप्रेस कर देती है। कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी प्रोड्यूसेस अ रेस्टफुल स्टेट ऑफ माइंड विदाउट इंटरफेयरिंग विद नॉर्मल मेंटल और फिजिकल फंक्शन। अभी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो इसके अंदर वही बेंजोडाइजापिन्स, एजापाइन्स, सेडेटिव्स, एंटीहिस्टामिन्स, बीटा ब्लॉकर्स एंड अदर्स आएंगे, ठीक है। तो बेंजोडाइजापिन्स में सबसे इंपॉर्टेंट
हमारा डायजेपम, ठीक है। तो बेंजोडाइजेपिन्स क्या करते हैं, इसका साइट ऑफ एक्शन है मिड ब्रेन, असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड लिम्बिक सिस्टम। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलता है कि बाय पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन थ्रू बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर। पोस्ट सिनेप्टिक जो होता है उसको इनहिबिट कर देता है थ्रू द बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर। इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, आप इसको देख लीजिएगा। फार्माकोकाइनेटिक ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स गिवन ओरली आईवी एंड आईएम, लोराजेपाम एंड टेमाजेपाम, ठीक है। आईवी भी दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं। ओरल एब्जॉर्प्शन गुड होता है, फेस वन एंड फेस टू मेटाबॉलिज्म होता है इसके अंदर। लोराजेपाम एंड ऑक्सीजोपाम में नो एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं जिसकी वजह से शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स हैं इसके, सेडेशन, लाइट हेडेक, कंजर्मेंट, वर्टिगो, कंफ्यूजन, एपेटाइट एंड वेट गेन, अल्टर इन सेक्सुअल फंक्शन एंड डिपेंडेंस। तो ये तो बात हो गई हमारे बेंजोडाइजेपिन्स की। अब है क्लोरडाइजेपॉक्साइड्स, ऑक्सेजेपाम, लोराजेपाम, और ये सारे ड्रग्स हैं, आप इनको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम एंटी मेनियाक ड्रग्स की। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एंटी मेनिया को पढ़ने के पहले हम देखते हैं कि मेनिया क्या होता है। मेनिया क्या होता है? पागलपन, किसी भी चीज़ की लत, लत लग जाना, मतलब किसी भी चीज़ के लिए पागलपन हो जाना, मतलब एक जिद पकड़ लेना कि मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, किसी भी चीज़ के पीछे पागल हो जाना कि मुझे कार खरीदनी है, मतलब कार ही खरीदनी है, कुछ भी हो जाए मुझे कार खरीदनी है, तो उसको कहते हैं हम मेनिया। तो कुछ हद तक मेनिया अच्छा भी होता है, बट कभी कभी ये इसके डिसएडवांटेजेस भी हमको देखने को मिलते हैं, इसलिए हम एंटी मेनिया ड्रग्स का यूज करते हैं। तो मेनिया इज अ कैरेक्टराइज बाय एक्सेसिव डिजायर एंड टू मच ऑफ यूफोरिया, अभी हमने बात करी। मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट्स ऑफ मेनिया ऑल्सो एक्सपीरियंस साइक्लिक एपिसोड ऑफ मेनिया फॉलोड बाय डिप्रेशन। बाइपोलर मेनिया डिप्रेसिव साइकोसिस, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, एक प्रकार से बाइपोलर डिफेक्टिव डिसऑर्डर्स भी है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, फॉर एग्जाम्पल लिथियम, कार्बामेजेपिन, वेलप्रोइक एसिड, लेमोटिग्रिगिन, ओलांजेपाइन, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है इसमें लिथियम कार्बोनेट, नाम से पूछी जाती है। लिथियम इज ए स्मॉल मोनोवेलेंट कैटायन। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो गिवन ओरली रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम गट। लिथियम इंटर सेल्स अबाउट as readily as sodium but does not leave the readily mechanism uncertain. Being a metallic ion, not metabolized, nor it is bound to plasma protein, only kidney eliminate lithium. Like sodium, it is filtered by glomerulus and 80% reabsorbed by proximal tubule, not reabsorbed in distal tubule. A steady plasma concentration will attain after about 5 to 6 days in patient with normal renal function. Half-life is 15 to 30 hours. Lithium margin of safety is narrow. Monitoring serum lithium concentration is essential for optimal therapy and measured 12 hours after last dose to reflect study concentration. 0.5 to 0.8 mEq/L for maintenance therapy and 0.8 to 1.1 mEq/L for episode of mania. ठीक है, toxic symptoms occurs greater than 1.5 mEq/L. Salivary concentration is propionate to serum concentration. May be used to non-invasive monitoring. Lithium is secreted to breast milk and cross placenta. Action and mechanism. Mechanism of action की बात करें तो prolonged administration act as mood stabilizers in bipolar disease. In acute mania is gradually suppressed episode taking 1 to 2 weeks continuous. Prevent cyclic mood change. Lithium by inhibits several important enzyme in conversion of IP2 to IP1 and conversion of IP2 isoinositol. Cause depletions of second messenger sources PIP2 phosphatidyl
inositol biphosphate and therefore reduce release of IP3 and DAG and its effect, activation of protein kinase C, mobilization of intracellular calcium ion. Before therapy, such activity might be greatly increased in mania. Lithium could cause a selective depression of overactive circuits. IP3 and DAG important second messenger of alpha adrenergic and muscarinic transmission. So this is the biosynthesis ya cycle ka hai, effect of lithium on IP3 and DAG second messenger system. Other actions hai, lithium inhibits action of ADH on diastereal tubule and cause polyuria, leukocyte count increase by lithium therapy, lithium reduce thyroxine synthesis, कुछ adverse effects हैं आप देखिएगा इनको. Then interactions हैं. अब बात करते हैं हम hallucinogens की. Hallucinogens are a psychoactive group of drugs that alter perception, awareness of surrounding object and condition, mood behavior, thoughts and feeling. They cause hallucinates or sensation and image that seems real though they are not. They also alter consciousness, loss of contact with reality, ability to concentrate altered, feel relaxed, may laugh uncontrollably, may become sad. आप लोगों ने भांग का नाम सुना है. भांग जो होती है वो hallucination ही करवाती है. Class. They are commonly divided into two broad category. First one is classic hallucinogens such as LSD and dissociative drugs such as phenethylamine. Class indolamines में आएगा LSD, जिसमें LSD का full form होता है lysergic acid diethyl amide, psilocybine, hermine, bufotenium. ये सारे क्लासिफिकेशन है, आप इसको देख लीजिएगा. कैनाबोसाइट्स जो हैं भांग, गाजर, चरस, ये भी इम्पॉर्टेंट है. एंड इम्पॉर्टेंट एक LSD भी है. LSD के बारे में हम थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं. LSD इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट मूड चेंजिंग केमिकल. इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लिसर्जिक एसिड विच इज़ फाउंड इन द यर्गोट फंगस दैट ग्रोज ऑन राइन and other grains. It is odorless, colorless and has slightly bitter taste. The effects of LSD used usually being in 30 to 45 minutes and can last for 4 to 12 hours. The following may be experienced during the time. तो ये LSD जब भी लेते हैं तो हमको कुछ इस तरीके से experience होता है. Mechanism of action. Psychedelics are antagonist or partial antagonist at the brain serotonin 5-HT2A receptor subtypes. That means that they stimulate to a greater or lesser extent these brain receptors. Pharmacokinetics, absorption from the GI tract, not well distribution in the body, metabolized in liver, excreted from the urine. ये cannabis है जिसके अंदर भांग, चरस एंड गांजा आएगा, यूजेस आएंगे उसके. देन हम बात करते हैं अब एंटी पार्किंसंस ड्रग के बारे में. एंटी पार्किंसन पढ़ने के पहले हम बात करेंगे पार्किंसोनिज्म क्या होता है. अ डीजनरेटिव एंड प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद न्यूरोलॉजिकल कंसिक्वेंस ऑफ डिक्रीज डोपामिन लेवल्स प्रोड्यूस बाय द बेसल गेंगलिया. एक्स्ट्रा पायरिमिडल मोटार फंक्शनल डिसऑर्डर सिम्टम्स कैरेक्टराइज बाय रिजिडिटी, ट्रीमर, हाइपोकाइनेसिया, ब्रेडीकाइनेसिया, इम्पेयरमेंट ऑफ पोस्चर बैलेंस, फॉलिंग. पार्किंसंस के अंदर क्या होता है, एक सबसे पहले तो डिजनरेटिव एंड प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, मोस्टली ओल्ड एज में होती है. ठीक है, इसके अंदर जो डोपामिन का सिक्रेशन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामिन, हमको मालूम है, उसका सिक्रेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से कहाँ पे कम हो जाता है, बेसल गेंगलिया में. ठीक है, तो उस वजह से पार्किंसंस होता है. ठीक है, और इसके अंदर पोस्चर का जो बैलेंस होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है.
ठीक है, तो रिजिडिटी किस तरीके से होती है, ट्रीमर कैसे होता है, ब्रेडीकाइनेसिस कैसे होती है, ये सब लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी पार्किंसंस ड्रग, तो इसके अंदर, इस क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग है लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा। दोनों से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ड्रग है लीवोडोपा, तो हम इसी को ही आगे पढ़ेंगे। कार्बिडोपा को यदि आपको पढ़ना है, वैसे तो एग्जाम में लीवोडोपा ही पूछा जाता है, फिर भी पर यदि आपको साइड ड्रग्स पढ़नी है और कार्बिडोपा भी पढ़नी है, तो आप इसके लिए कैडिटी को रिफ़र कर लीजिएगा। लीवोडोपा के बारे में पढ़ते हैं। सिंगल मोस्ट इफेक्टिव एजेंट इन पार्किंसन डिसीज, इनएक्टिव बाय इट्सेल्फ बट इमीजिएट प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन, पेरीफेरली 95% इज कार्बोक्सीलेटेड इन पेरीफेरल टिश्यू इन गट एंड लीवर टू डोपामिन। दिस डोपामिन एक्ट्स ऑन पेरीफेरल ऑर्गन लाइक हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड सिटीजेड्स, नॉट द सीएनएस। 1-2% क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर टेकन अप बाय न्यूरॉन्स एंड डीए इज फॉर्म स्टोर्ड एंड रिलीज एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। एक्शन ऑफ लीवोडोपा इफेक्टिव इन एलिमिनेटिंग मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिसीज, ब्रेडीकाइनेसिया एंड रिजिडिटी रिस्पॉन्ड क्विकली, रिडक्शन इन ट्रीमर इफेक्ट विथ कंटिन्यूस थेरेपी। सेकेंडरी सिम्टम्स हैंड राइटिंग, स्पीच, फेशियल एक्सप्रेशन एंड इंटरेस्ट इन लाइफ प्रूव्स ग्रेजुअली। लीवोडोपा लेस इफेक्टिव इन एलिमिनेटिंग पॉस्चुरल इंस्टेबिलिटी एंड स्लफलिंग गेट, मीनिंग अदर्स न्यूरोट्रांसमीटर्स आर इन्वॉल्व इन पार्किंसन डिसीज। बिहेवियर इफेक्ट्स पार्शली चेंज मूड बाय एलिवेटिंग मूड एंड इंक्रीज पेशेंट सेंस ऑफ वेलबींग, जनरल अल्टरिंग रिस्पॉन्स, डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन सेक्सुअल एक्टिविटी, नो इम्प्रूवमेंट इन डिमेंशिया, साइकेटिक सिम्टम्स। एक्शन ऑफ लीवोडोपा CVS पे क्या करता है, कार्डियक स्टिमुलेशन ड्यू टू बीटा एड्रिनर्जिक इफेक्ट ऑन हार्ट थ्रू स्टिमुलस पेरिफेरल एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, नो राइज इन BP, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन इन एल्डरी, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, टॉलरेंस टू CVS एक्शन टू डेवलप विद इन फ्यू वीक्स। सिटीजेड DA रिसेप्टर्स मतलब डोपामिन रिसेप्टर्स, कॉज स्टिमुलेशन नोजिया एंड वॉमिटिंग, टॉलरेंस एंडोक्राइन में ये क्या करता है, डिक्रीज इन प्रोलैक्टेशन लेवल एंड इंक्रीज इन GH रिलीज। फार्माकोकाइनेटिक्स है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अल्जाइमर्स डिसीज की, फार्माकोथेरेपी ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज। अल्जाइमर डिसीज क्या होता है, अ प्राइमरी डिजेनरेटिव सेरेब्रल डिसीज ऑफ अननोन एटियोलॉजी विथ कैरेक्टरिस्टिक न्यूरोपैथोलॉजिकल एंड न्यूरोकेमिकल फीचर्स। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया, अबाउट फॉर 60-80% ऑफ केस। डिमेंशिया क्या होता है, क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ लॉस ऑफ डिक्लाइन इन मेमोरी, इंटेक्चुअल डिटोरिएशन इन अदर कॉन्जेस्टिव एबिलिटी विथ चेंजेस इन पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर एबनॉर्मिटीज। क्या होता है एल्जाइमर्स के अंदर, भूलने की बीमारी को कहते हैं हम अल्जाइमर, ठीक है, डिमेंशिया हो जाता है। 60-80% केस हम देख सकते हैं इसके अंदर मेमोरी लॉस होने लगती है, हम भूल जाते हैं कि हमने क्या काम किया। फॉर एग्जांपल आप घर से बाहर निकल रहे हैं, आपने ताला लगा दिया, ठीक है, थोड़ी देर दूर गए और आपको याद आया मैंने ताला लगाया या नहीं लगाया। ताला आप लगा चुके हैं बट आपको अभी भी कन्फ्यूजन है, ताला लगाया नहीं लगाया, भूल गया, चाबी कहीं पर रख के भूल गए। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं अल्जाइमर्स डिसीज के। करंट ट्रीटमेंट, एसिटाइल कोलिनेसरेस इनहिबिटर्स हम इसमें यूज करते हैं, नॉन कॉम्पिटेटिव एंड मिथाइल डी एस्पार्टनेट NMDA हम रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हम यूज करते हैं, इसके अंदर ये सारे ड्रग्स आती हैं, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिनेसरेस इनहिबिटर्स की यदि हम बात करें तो डायग्रामेटिकली हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख सकते हैं। द एसिटाइल कोलिनेसरेस एक्ट्स बाय प्रिवेंटिंग द एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, रिजल्टिंग इन इंक्रीज एसिटाइल कोलिन कंसंट्रेशन इन द सिनेप्टिक क्लैफ एंड इन्हांस्ड कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। एसिटाइल कोलिनेसरेस में बी डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स, नॉन कोवेलेंट और रिवर्सिबल इनिबिटर्स, कार्बामोलाइटिंग इनिबिटर्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। फर्स्ट
एसिटाइलकोलिनेस्टरेज अप्रूव्ड बाय एफडीए फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिसीज वाज टैक्रीन विच इज द रिवर्सिबल इनहिबिटर एंड नो लॉन्गर यूज्ड नाउ ड्यू टू हेपाटोटॉक्सिसिटी। मेजर साइड इफेक्ट्स है, जीआई सिम्टम्स हम देख सकते हैं लाइक नोजिया, डायरिया, एब्डोमिनल क्रेम्स, अल्टर्ड स्लीप, पेडिकार्डिया एंड मसल क्रेम्स। ठीक है, या रिवास्टिग्माइन है, डोनेजिपिल है, ये सारे ड्रग्स हैं जो हम अल्जाइमर डिसीज के अंदर यूज़ करते हैं, तो इसकी डिटेलिंग आप कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट्स की। सीएनएस स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? सीएनएस स्टिमुलेंट्स आर द साइको एक्टिव ड्रग्स दैट इंड्यूस टेम्प्रेरी इम्प्रूवमेंट इन आइदर मेंटल और फिजिकल फंक्शन और बोथ। सीएनएस स्टिमुलेंट क्या करते हैं? हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेंटली और फिजिकली उसके फंक्शन को वो स्टिमुलेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको बहुत थकान फील हो रही है, ठीक है, बहुत नींद सी आ रही है, थकान फील हो रही है बहुत ज़्यादा, आपने पढ़ाई कर ली, तो आपको क्या लगता है कि आपको चाय पी लेनी चाहिए या कॉफ़ी पी लेनी चाहिए? चाय और कॉफ़ी पीने के बाद आप एकदम से आपके मसल्स भी बिल्कुल रिलैक्स भी हो जाती हैं और मूड भी अच्छा हो जाता है, मेंटली आप बिल्कुल पीसफुल कंडीशन में चले जाते हैं। अच्छा लगता है आप लोग को कि आपने चाय पी ली तो आपको टेम्प्रेरी वो एक या दो घंटे के लिए आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। तो वो क्या करते हैं? सीएनएस स्टिमुलेंट्स इस तरीके से काम करते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ सीएनएस स्टिमुलेंट्स, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है साइकोमोटर स्टिमुलेंट होता है और एक होता है हेलुसिनोजेंस एंड साइकोमाइमेटिक ड्रग। साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स के अंदर हम बात करते हैं द स्टिमुलेंट्स दैट कॉज एक्साइटमेंट एंड यूफोरिया एंड डिक्रीज फीलिंग एंड फैटिक एंड इंक्रीज मोटर एक्टिविटीज। इसके अंदर है मेथाइल जैंथिन्स। जैंथिन इज अ प्यूरिन बेस फाउंड इन द मोस्ट ह्यूमन बॉडी टिश्यूज एंड फ्लूइड एंड इन अदर ऑर्गेनिज्म एंड इट इज ऑल्सो ब्रॉन्चो डायलेटर्स। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सेवरल मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड। पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इट इनहिबिट्स फॉस्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम्स, ठीक है, जिसकी वजह से सीएमपी इंक्रीज हो जाता है। सीएमपी इंक्रीज होने की वजह से कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम आयन सीएनएस और हार्ट में बढ़ जाता है और कैल्शियम जो होता है स्मूथ मसल में कम हो जाता है। एडिनोसिन A1, A2 एंड A3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ऑलमोस्ट इक्वली विच एक्सप्लेन्स मेनी ऑफ इट्स कार्डियक इफेक्ट्स। A2 receptors antagonist responsible for CNS stimulation and smooth muscles relaxation. Adverse effects moderate dose की बात करें, moderate dose यदि हमने दिया तो होता है insomnia, anxiety, agitation, high dose में emesis होती है, convulsions होता है। lethal dose दिया यदि हमने 10 gram of caffeine, cardiac arrhythmia होने के chances होते हैं, suddenly stops, lethargy, irritability and headache होने लगता है। अब है दूसरा निकोटीन, एक्टिव इंग्रेडिएंट इन तंबाकू, यूज इन स्मोकिंग सेसेशन थेरेपी। निकोटीन रिमेंस इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ सेकेंड ओनली टू कैफीन एज मोस्ट वाइडली यूज इन सीएनएस स्टिमुलेंट्स। इट इज़ सेकेंड ओनली टू अल्कोहल एज मोस्ट एब्यूज ड्रग। एक्शन ऑफ निकोटीन, लो डोज गैंग्लियोनिक डिपोलराइजेशन, हाई डोज में गैंग्लियोनिक ब्लॉकेज। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो सीएनएस इरेटेबिलिटी एंड ट्रीमर्स, इंटेस्टाइनल क्रैम्स एंड डायरिया एंड इंक्रीज हार्ट रेट एंड बीपी। तो ये दो ड्रग है, एक तो मिथाइल जैंथिन एंड निकोटीन, जो हमारे सीएनएस स्टिमुलेंट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वेरिनसिलिन्स भी है, कोकेन भी है, उसके बाद में एम्फेटामाइन है, एटोमेक्सिटिन से, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम ओप्यूट एनाल्जेसिक्स की। ऑपिट एनाल्जेसिक्स पढ़ने के पहले हम देखते हैं कि एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं। ड्रग्स दैट रिलीव पेन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ऐसी ड्रग्स जो हमारे पेन को रिलीव करें विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब बिना बेहोश किए, जैसे हम एनास्थेसिया में करते हैं। एनास्थेसिया में पेन कैसे ख़त्म होता है, पेशेंट को कैसे रिलीव करते हैं, पेशेंट को हम उसमें अनकॉन्शियस कंडीशन में भेज देते हैं जिससे उसे पेन का सेंसेशन ब्लॉक हो जाता है। बट इसके अंदर एनाल्जेसिक्स के अंदर क्या करते हैं, ऐसी ड्रग्स जो पेन को रिलीव करती है विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ऑपिट और नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स फॉर मॉर्फिन टाइप्स, नॉन ऑपिट्स और एनएसआईडीएस एस्पिरिन टाइप्स। तो अब बात करते हैं ऑपिट्स की। ओपियम,
White latex exudate obtained by incision of seed pod of Papaver somniferum. Classification: naturally occurring morphine, codeine, synthetic pethidine, phenytoin, fentanyl, methadone, loperamide, opioid antagonist, naloxone, naltrexone, mixed agonist and antagonist, pentazocine. Opioid receptor: mu, kappa and delta. Mu जो होता है suprespinal analgesia, euphoria, sedation, respiratory depression करवाता है, pupillary constriction करवाता है और gastrointestinal motility को वो कम करता है. काफा जो होता है spinal analgesia और sedation को cause करवाता है and delta spinal analgesia करवाता है, opiate reinforcement and reward करवाता है. Pharmacological action of morphine: opiate acts by stimulating the mu, kappa and delta receptor. Myosis, decrease in pupil size, analgesia, respiratory depression, physical and psychological dependence, hypotension, nausea and vomiting, cough suppressions and constipation, sedations. Use of opiates: morphine ki baat kare to as a analgesic, severe, sharp and visceral pain में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस, बर्न्स, फ्रैक्चर्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, कैंसर, पेन एंड एक्यूट पल्मोनरी एडिमा. पैथिडिन जो होता है एनाल्जेसिक, सिमिलर टू मॉर्फिन, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर में हम इसको यूज़ करते हैं. मेथाडोन, डी एडिशन ऑफ हेरोइन एंड मॉर्फिन. यूज ऑफ अदर ऑप्यूट्स: कोडेन, कफ सस्पेंशंस, सप्रेशंस, एंटीटसिव, लोप्रामाइड, नॉन इन्फेक्टिव, डायरिया, फेंटाइल प्लस ड्रोपेरिडॉल, न्यूरो लेप्टेंजेसिया, फेंटाइल, ड्रोपेरिडॉल एंड N2O, न्यूरो लेप्टेंसेंसिया, ट्रांसडर्मल, फेंटाइल, क्रॉनिक न्यूरोपैथिक पेन. एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन: वॉमिटिंग, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, इचिंग एंड स्किन रेशेस, स्टैमिन रिलीज, टॉलरेंस डेवलप्स टू मोस्ट ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ मॉर्फिन, एक्सेप्ट मायोसिस एंड कंसेप्शंस, कॉन्स्टिपेशन, ड्रग डिपेंडेंस, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल. मॉर्फिन पॉइजनिंग: नॉन एडिक्ट विथ नीडल मार्क, कोमा, पिन पॉइंट प्यूपिल, डिप्रेस रेस्पिरेशन एंड कॉन्स्टिपेशन. एंटीडोट: इंट्रावेनस नेलोक्सेन, जनरल सपोर्ट मेजर्स. कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ मॉर्फिन: हेड इंजुरी, प्रेगनेंसी, नियोनेंटल्स एंड एल्डरली, डिस्टेंट एंट्री इन चिल्ड्रंस, बाइलेरी कॉलिक, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, हेपेटिक एंड रेनाल डिसीज, हाइपोथायरॉयडिज्म. थैंक यू सो मच.